Hello students, this is Priya, your English teacher. How are you? Last time हमने आपको पढ़ाया था आपका chapter number 3, part of speech. अब ये है आपका lesson number 4, the noun. Noun के बारे में पढ़ेंगे तो अब हम. What is noun? Noun is a name of person, place, animals or thing. यानी कि noun किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को नाउन या हिंदी में कहें तो संज्ञा कहते हैं. व्हाट इज नाउन? हमने आपको बताया क्या होता है नाउन. किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, या भाव या किसी जानवर के नाम को भी संज्ञा कहते हैं. नेमिंग वर्ड्स भी बोल देते हैं इन्हें हम. अगला है आपका नाउन के काइंड्स. नाउन कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले आपको दिया है कॉमन नाउन. देन व्हाट इज कॉमन नाउन? A common noun is the name of a person, place, animals or thing. It represents a whole class of a particular kind. Common noun एक ऐसा noun होता है जो कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को दर्शाता तो है, लेकिन उसकी पूरी प्रजाति को दर्शाता है. यानी कि उससे आप किसी एक व्यक्ति का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, उससे उसकी पूरी क्लास, उसके पूरी क्लास का आइडेंटिफिकेशन होता है. जैसे कि आपको नीचे ये दिए गए हैं अलग अलग करके, पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग. जैसे कि बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, किंग, ईटीसी. ऐसे प्लेसेस में दिए हैं, हाउस, स्कूल. एनिमल्स में दिए हैं डॉग्स, फॉक्स, ईटीसी. थिंग्स में दिया है बुक, पेंसिल, इरेजर, ईटीसी. अब आता है आपका प्रॉपर नाउन. व्हाट इज प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन, अ प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग. फॉर एग्जाम्पल, प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन है किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का एक प्रॉपर नेम. जो पार्टिकुलर नेम जिसका दिया होता है वहाँ पर हमारा प्रॉपर नाउन आता है. जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था गर्ल, बॉय, इस तरीके से. अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे उनके नेम्स. जैसे कि गर्ल में मानवी, गार्गी, कविता, पूजा. इस तरीके से जब नेम दिया होता है एक पार्टिकुलर नेम, तब वो हमारा प्रॉपर नाउन होता है. आगे आपको एग्जांपल्स भी दिए. जैसे कि कार, केवल कार है तो वो आपका कॉमन नाउन है. लेकिन अगर कार का नेम दे दी, जैसे कि टोयोटा, वैगनार, इस तरीके से, तो ये आपके जो हैं प्रॉपर नाउन में बदल जाते हैं. जैसे कि बुक आपने ऊपर पढ़ा था, तो बुक क्या है? बुक एक कॉमन नाउन है. लेकिन अगर बुक का नेम दे दिया है, जैसे रामायण, भगवद गीता, इस तरीके से, और यहाँ पर दिया है इन द नेम ऑफ अ गॉड. ठीक है, इस तरीके से अगर नेम दे दिया है तो वो प्रॉपर है. और अगर नेम नहीं है, पूरी प्रजाति, पूरी क्लास को आइडेंटिफाई करता है, तो वो आपका कॉमन नाउन है. अब आता है आपका कलेक्टिव नाउन. व्हाट इज़ कलेक्टिव नाउन? अ कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग. यानी कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की पूरी प्रजाति को दर्शाने वाला एक शब्द जो पूरी क्लास को, पूरे कलेक्शन को दिखाता हो, और जिसके लिए हम एक ग्रुप के लिए कोई एक वर्ड यूज़ करते हैं, वहाँ पर हमारा कलेक्टिव नाउन आता है. एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, जैसे कि सोल्जर्स होते हैं, सोल्जर्स के लिए हम आर्मी यूज़ कर लेते हैं. इसी तरीके से म्यूजिशंस, म्यूजिशंस के लिए हम बैंड यूज़ करते हैं. आगे आपको एग्जांपल बहुत सारे दिए हुए हैं. फॉर द एग्जांपल, आप इसे पढ़ सकते हैं. बुक एक्सरसाइज में आपको भेजूंगी, और साथ साथ इसकी पिक्स भी भेजूंगी. नंबर 4, मटेरियल नाउन. व्हाट इज़ मटेरियल नाउन? अब हम जानते हैं मटेरियल नाउन के बारे में. मटेरियल नाउन क्या है? अ मटेरियल नाउन इज़ अ थिंग विच इज़ टेकन आउट ऑफ द अर्थ और इज़ यूज्ड टू मेक अदर थिंग्स. फॉर एग्जांपल, सुगर इज़ यूज्ड टू मेक टी, सो इट इज़ अ मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन वो चीज़ होती है जो अर्थ से, यानी पृथ्वी से, धरती से हमें प्राप्त होती है किसी अदर चीज़ को बनाने के लिए. जैसे कि यहाँ सुगर का एग्जांपल दिया है आपको. सुगर का यूज़ करते हैं आप, जो हमें पृथ्वी से प्राप्त होती है, जिसको हम टी वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं. फॉर द एग्जांपल आपको दिए हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पर, जैसे कि कॉटन, ग्लास, ग्रास, हनी. ये सारी चीज़ें हमें पृथ्वी द्वारा प्राप्त हैं, और जो कि कुछ ना कुछ बनाने के लिए प्रयोग की जाती है. नंबर 5, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? An abstract noun is a name given to some quality, action, state, feeling or idea which we can only think or feel but can't see or touch. Abstract noun होते हैं आपके भाव, quality, actions, feelings, ideas, जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं, उन्हें हम ना तो देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं. We can't touch or see. ना तो हम उसे देख सकते हैं ना ही
छू सकते हैं, केवल ये महसूस करने वाली चीज़ें होती हैं। एक्शंस में जैसे आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्शन जैसे एक्टिविटी, एसेंट, मूवमेंट, क्वालिटी, विथ, ब्यूटिफुलनेस, एक्विडेंटी, स्ट्रेंथ, बिटरनेस, ETC, स्टेट ऑफ कंडीशन, सब्जेक्ट्स ऑफ प्रोफेशंस, गेम्स, बहुत सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं। फॉर द एग्ज़ाम्पल ये था आपका चैप्टर नाउन, जिसे हमने पढ़ा और आपको समझाया अच्छे से। अब आपको इसकी रीडिंग करनी है, अच्छे से समझना है, वीडियो को देखना है, ध्यान से पढ़ना है, सुनना है, और उसी के अकॉर्डिंग बुक एक्सरसाइज फिल करनी है। इसकी आंसर शीट हम आपको आगे भेजेंगे। फ़िलहाल आप अपनी तरफ से इसको ट्राई कीजिए कि आप इसे फिल कर सकें। ओके बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।